बीते कुछ दिनों से हत्याओं की वारदातों में कमी देखी जा रही थी, वहीं फरवरी के महीने में शहर में एक भी हत्या की वारदात दर्ज नहीं की गई, जिससे पुलिस प्रशासन की हर ओर से प्रशंसा की जा रही थी। इसी बीच शराबियों ने अपने दोस्त की शराब के लिए हत्या किए जाने का मामला नंदनगंज पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की समस्याओं में इजाफा हुआ। हालांकि गरिमत ये रही कि पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वही एक फरार है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर नगराले ने अधिक जानकारी साझा की। नंदनगंज इलाके में शराबियों ने अपने दोस्त की शराब के लिए हत्या कर दी। मृतक का नाम राजू भगवान दास चलिक सवाई है। पुलिस ने राजू की हत्या के आरोप में जीतू उर्फ जितेंद्र मूली को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी अमन मेशराम की तलाश नंदनगंज पुलिस कर रही है। थानेदार किशोर नगराले के अनुसार राजू और दोनों आरोपियों की शराब भट्टी पर दोस्ती हुई थी। घटना के बाद शराब पीने की बात को लेकर विवाद होने पर दोनों आरोपियों ने राजू का पत्थर से सिर कुचल कर उसे मौत के घाट उतार दिया। देवी नगर वाठोरा रिंग रोड निवासी राजू चलिक सवाई गत 5 मार्च को रात करीब 9:30 बजे नंदनवन क्षेत्र में गोयका लेआउट वाठोड़ा रिंग रोड पर जयसवाल देसी शराब भट्टी के पास कोटी भवन के पीछे सुनसान जगह पर शराब पीने गया। वहां पर अमन मेशराम पड़ोली नगर झोपड़पट्टी और जीतू उर्फ जितेंद्र मूले पहले से मौजूद थे। शराब पीने के दौरान उनके बीच कुछ अनबन हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी अमन और जीतू ने राजू का पत्थर से सिर कुचल कर उसकी हत्या कर दी। 5/3/2022 रात्री 9:30 ते 10 दरम्यान वाठोडा रोडवरील दारू भट्टी आहे जयसवाल, तिथे राजू भगवानदास चेलिक सवाई आणि आरोपी जितू मुळे आणि अमन मिश्रा हे दारू पिण्यासाठी आले असताना त्याची तिथे दारू पिण्यावरच मैत्री झालेली आहे। त्या दरम्यान राजू चेलिक सवाईच्या हाताने दारूची बॉटल फुटल्यामुळे जितू मुळे आणि अमन मिश्राम याला राग आला, त्यामुळे त्यांच्यात भांडण झाले। भांडणानंतर ते भट्टीतून उतरून बाजूच्या गल्लीमध्ये गेले, तिथे परत त्यांचं भांडण झालं। त्या भांडणामध्ये जितू मुळे आणि अमन मिश्राम यांनी त्याच्या दोघांवर राफ्टर आणि दगड मारल्याने तो जीवानिशी जागीच ठार झाला आणि मरण पावला। सदरची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही घटनास्थळावर जाऊन माहिती घेतली, आरोपीची ओळख पटवली व आरोपीची ओळख पटवून गुन्हेगाराचा शोध घेतला असता त्याच्यामध्ये जितू मुळे आणि अमन मिश्राम यांनी सदरचा खून केल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांना सदर गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली आहे। सध्या दोन्ही आरोपींनी गुन्हा कबूल केलेला आहे, त्यातील राजू जितू मुळे हा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे आणि अमनवर सुद्धा 2 गुन्हे दाखल आहे। सध्याच्या तपासात तेच कारण समोर आलेले। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। हालांकि नंदनवन पुलिस ने कार्रवाई कर दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, वही पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।